हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए दादी जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम जा रहे हैं कहीं, तो बताते हैं दादी जी कहाँ जा रहे हैं हम। दादी जी बता दीजिए। संत बाबा नरलेप हरि उर्फ गंगावासी 108। हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं। हर साल जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हर साल जाते हैं हम। दादाजी जब थे हमारे तो दादाजी भी साथ जाते थे। तो आज गुरु पुण्य है, तो दादी जी बोल रहे हैं कि आज जाना है हमें वहां पे, तो आपको भी वहां पे दर्शन करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं, तो चलते हैं फ्रेंड्स। दादी जी बोल रहे थे पहले आपको बता देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम, तो चलते हैं। संत नरलेप हरि उर्फ गंगावासी 108 टोपे वाले संत बाबा जी। हाँ ये है। हेलो बोल दीजिए सबको। हेलो। हाँ जी, हम जा रहे हैं आज दादी जी पीछे। हेलो। तो हम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दर्शन करवाते हैं टोपे वाले संत बाबा जी के। पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है, तो फिर से आपको दर्शन करवाते हैं वहाँ के। तो बारिश, सुबह बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, और 1.5 घंटा एकदम से इतनी बारिश हुई ना, बहुत ही ज्यादा बारिश हुई। और गर्मी तो फिर भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हुमस हो जाता है ना, तो उसी से फायदा नहीं होता कुछ भी बारिश से। तो वहीं पे आपको मिलते हैं फ्रेंड्स। हम निकल चुके हैं घर से, और मम्मी जी और पापा जी बाइक पे आएंगे, और हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो वहीं के आपको दर्शन करवाते हैं जाके। ये रोड जाता है हमारे मेन रोड पे घर से, सीधा ऊना रोड को जाता है बहडाला। फ्रेंड्स, आज फौजी साहब ने टर्बन पहनी है, तो आप सभी कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं ये। और मेरे साथ बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करते हैं ये। कभी मैचिंग नहीं करता, कभी भी मैचिंग नहीं करते हैं। और मैंने ये वाली आज फ्रॉक पहनी है, और देखिए, देख लिया। तो वहीं पे आपको मिलते हैं और दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें बाबा जी के जहाँ जाना है। तो ये देखिए सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे जाना है। तो हम गाड़ी पहले पार्किंग पे लगा देंगे, तो मैं और दादी जी और मेरी छोटी ननद है साथ में, और हस्बैंड जो है वो गाड़ी खड़ी करने गए हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अंदर की तरफ, सामने रास्ता था, लेकिन वहाँ पे ना काम चल रहा था, कुछ पुल का काम था। तो यहाँ पे देखिए बाबा जी के दर्शन करिए आप भी। ये है हमारे टोपे वाले संत बाबा जी, और दादी जी बोले काफ़ी टाइम से वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और हमेशा हर साल आते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ना इन बाबा जी को माला पहनाई जा रही है, यहाँ पे माला पहना रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी माथा टेक रहे थे, तो मैंने ये शूट ले लिया आप सभी को दर्शन करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी सपोर्ट करिए। और देखिए यहाँ पे ना झंडा जो है वो चढ़ाना है, तो यहाँ पे पहले ना इसको धोएंगे अच्छे से, कच्ची लस्सी के साथ धोएंगे, पानी के साथ धोएंगे। तो सभी इस यहाँ पर धोने का काम कर रहे थे, तो दादी जी थे और ये हस्बैंड भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और जब ये आते हैं, दो तीन बार आए हैं ये, इन्होंने साथ में ही यहाँ पे ये काम किया है। तो यहाँ पे झंडा जो है वो चढ़ा रहे हैं, तो पहले उसको धो रहे हैं, अच्छे से धोएंगे, और धोने के बाद फिर कच्ची लस्सी के साथ धोएंगे। कच्ची लस्सी के साथ धोने के बाद फिर इस पे ना झंडा चढ़ा देंगे। तो साथ में मेरे यहाँ पे देखिए बहुत सारे पकवान भी बन रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ चावल बन रहे हैं, और एक तरफ पकोड़े वगैरह निकाल रहे हैं, और पूरी भी बनेगी बाद में। तो ये देखिए सभी धो रहे हैं, और मैं अभी साथ में लगी हुई थी, और मैं साथ में शूट भी कर रही थी, क्योंकि आप सभी को मैंने वीडियो में दिखाना भी था। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड ऊपर ही हैं, वो धो रहे हैं, अब उसको साफ़ करेंगे अच्छे से कपड़े की मदद से, और साफ़ करने के बाद फिर झंडा चढ़ा देंगे। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, और मैंने 2.5 साल हो गए हमारी शादी को, तो हम 2.5 साल में कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, और वैसे भी हम दर्शन करने आते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे झंडा चढ़ा लिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि भगवान के घर में जाने के लिए जाना हो तो बहुत ही अच्छा लगता है।
मन को शांति भी मिलती है। और इसी तरह की हम आपको भी दर्शन करवा दिए। और ये ना देखिए साथ में ना जामुन का पेड़ है, इसको इतनी जामुन लगी थी, इतनी जामुन लगी थी ना कि नीचे भी गिर रही थी फर्श पे, और यहाँ पे छत पे भी इतनी गिरी हुई थी ना, तो हमने वहाँ से उठाई, हमने खाई भी थोड़ी सी। और हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं भी उनके साथ छत पर चली गई थी, तो वहाँ पर जामुन खाई हमने काफ़ी। तो ये देखिए सब धो रहे हैं, अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर ना जामुन गिरती हैं तो वो निशान पड़ जाते हैं। और देखिए जी कितनी गंदी हो रखी है टाइल्स, देखो हस्बैंड ने उसको ना गिलास के मदद से ना साफ़ कर रहे थे, अच्छे से साफ़ किया उन्होंने बहुत ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना ये टाइल्स वगैरह, क्योंकि छत से गिरती हैं जामुन वगैरह, तो सारी जामुन जो हैं वो फट जाती थी नीचे आते ही, तो यहाँ पर सारा फर्श ख़राब होता था। और पानी की मदद से इन्होंने साफ़ करके धो दिया है। और साथ में हमारे ताया जी भी लगे हुए थे, उनके बेटे भी लगे हुए हैं साथ में ही साफ़ कर रहे हैं उसको। और मम्मी जी यहाँ पे वाइपर की मदद से पानी निकाल रहे हैं। और देखिए कितना गंदी टाइल्स हो रखी हैं। और वहाँ के जो पंडित जी थे ना, सेवादार थे वहाँ के, वो बोल रहे थे कि हमेशा यही हाल होता है, क्योंकि जामुन बहुत गिरती है ऊपर से, जामुन गिरने से सारा फर्श ख़राब हो जाता है, सब टाइल्स ख़राब होती हैं। लेकिन ना यहाँ पर ताया जी ने जो होता है ना स्टील बूल, उसकी मदद से ना यहाँ पे साफ़ कर दिया। अच्छे से साफ़ करने के बाद कितना प्यारा और कितना साफ़ फर्श हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए वो साफ़ कर रहे हैं अभी, साफ़ करने के बाद इसको पानी से और सर्फ़ की मदद से धो रहे थे, साफ़ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम अब माथा टेकेंगे, धूप वगैरह करेंगे। धूप करने के बाद यहाँ पर अरदास होगी, अरदास करने के बाद वहाँ पर कीर्तन होगा, कीर्तन होने के बाद फिर भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद सबको खाना खिलाएंगे। और देखिए बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। और आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी साथ में ही कर दीजिए, क्योंकि लाइक के कम होते हैं और कमेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे ना राधा कृष्ण का भी मंदिर है अंदर, तो राधा कृष्ण जी की भी यहाँ पर दर्शन कर लो आप। तो ये सामने अरदास हो रही है अभी, क्योंकि धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था, अब ना दर्शन कर रहे थे तो और अरदास करेंगे यहाँ पे सभी। तो ये देखिए जहाँ पे ना हमने जो प्रसाद बनाकर लाए थे घर से, उसको ना भोग लगाएंगे यहाँ पे, और बाद में सभी संगत में बांट देंगे। और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह सब हो रहा है। तो यहीं पे मैंने एंड कर दिया है वीडियो का, और आप सभी को कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स।